यार इस दिन गाड़ी नहीं चल रही, मैं ये सोच रहा अच्छा बच्चों, हो गया भाई क्वेश्चन? बहुत टाइम दे दिया यार। हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, भाई मेरी आवाज आ रही है? रिस्पॉन्स करें। हेलो सर, यार, इतनी देर में रिस्पॉन्स कर रहे हो? मैंने कहा आवाज आ रही है मेरी या नहीं आ रही? हो आ रही सर। गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आगे चलो या कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। सर आरएन नहीं हो रहा निकलना आ रहे, नहीं निकल रहा? किसी जी किसी से सर। निकला कोई एक बच्चा या किसी से भी नहीं निकला? बताएं, किसी से भी नहीं निकला? एक काम करें, सबसे पहले तो इसको शॉर्ट करें। ये किया था स्टेप समीर सिराज, यस सर। ये वाला स्टेप किया था ना, शॉर्ट वाला? सर शॉर्ट करेंगे इसको। यार क्या पागल पागल हो गए? पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा नहीं था? कैसी बातें कर रहे हो यार, थपाने वाली। कौन सर शॉर्ट नहीं किया था बोल रहा है ये? सिराज, सिराज तुम्हें याद नहीं पूरा सवाल गलत हुआ था हम लोगों से? जी सर। मैं सर सिंपल बस ऐसे सॉल्व कर रहा था। अबे बात सुनो, तुम लोग इधर देखो मेरी तरफ, मतलब अब देखोगे क्या भाई? सब लोग अटेंटिव हैं, पहले ये बता दें। यस सर, प्लीज देखिए, सर। इसको शॉर्ट यस करेंगे सर, ना, इसको शॉर्ट करेंगे ना, पहले जल्दी से बताएं, शॉर्ट करेंगे यस सर। उसके बाद हमें हमें सप्लाई लगानी है ना। जी। मैं नहीं लगा रहा सप्लाई, मैं कह रहा हूँ मैं लगाए बगैर सॉल्व कर लूंगा। आप कहेंगे कि सर कैसे, इसमें तो डिपेंडेंट सोर्स है ना। बोले भाई यस सर। एक बात बताओ, जब ये शॉर्ट हो गया तो कोई करंट यहां से गुजरेगा? ये बताओ, जल्दी से बताओ। नो सर, ये नो शॉर्ट हो सर। गया तो ये इसका ना, ये एग्जिस्टेंस लेस हो गया ना, सही यस कह रहा सर, हूँ? बोले यस सर, तो आईएक्स की वैल्यू कितनी हुई? यस सर, जीरो सर, और आईएक्स की वैल्यू 0 हुई तो यहां पर अगर मैं 0 रखूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0 जीरो एम्पियर, यही होगी। जी सर। और 0 एम्पियर होने का मतलब ये ओपन सर्किट हो गया। जी जब ये ओपन सर्किट हो गया तो फिर डिपेंडेंट सोर्स ही खत्म हो गई, तो मैं वो क्यों लगाऊंगा? सिंपल आरएन निकालूंगा और आरएन का पाथ सिर्फ ये बन रहा है, इट मींस आंसर इज 5 ओम, दैट्स इट। यस सर। 1 किलो विस्टर आ गया, तो बहुत सिंपल है। ओ भाई पल्ले पड़ी बात, यस सर, यस सर, तो ये तो कितना यस। सिंपल हो गया है। हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, इसमें कोई सवाल किसी का, जल्दी से बताइए। नो सर। सर हाँ बोलो बोलो बोलो। अबे बोल दो भाई, यार ये क्या ड्रामा है? सर कह के खामोश हो गए, कौन था ये? इसका अलग कोई कोई बात नहीं है, बस ऐसे ही सर बोला। भाई आवाज आ रही है आप लोगों को? यस हेलो, सर, यस सर, यार देख रहे हो कितना टाइम यस वेस्ट होता है सर, भाई, बोल तो दिया करो भाई। यस कोई सर, सवाल है? ये सर कौन बोल रहा था बता दो ना, मैं मारूंगा थोड़ी। कोई प्रॉब्लम है? नहीं नहीं बताना बस, ठीक है। अच्छा आगे चलो, यस सर, जी सर, जी सर। चले चले, ये सॉल्व हो गया, आगे चलते हैं हम लोग, ठीक है? अच्छा नेक्स्ट देखो, फिर आवाज आई किसी की। कौन बोल रहा है? शफी, समीर, समीर तुम बोल रहे हो? सर, यार तुम्हारा कनेक्शन का प्रॉब्लम लग रहा है समीर, आवाज नहीं आ रही मुझे।
कनेक्शन सही है। अच्छा तुम बाद में पूछ लेना सवाल, इस सवाल क्वेश्चन पर आए, ये हमारा नॉर्टन का आखिरी क्वेश्चन है, बस ये कर लेंगे फिर नॉर्टन खत्म हो जाएगा। तो इसमें क्या करना है, वही चीजें करनी है, तो निकालें ये भी मैं आपसे करवाऊंगा, करें 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 सब लोग करें जल्दी से, कोई ऐसा बच्चा ना हो जो ना कर रहा हो, इसको सॉल्व करें। पहले नॉर्टन करंट निकाल लें, ये शॉर्ट करें और ये नॉर्टन करंट निकालें, जल्दी से निकालें और फिर उसके बाद नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालनी है क्विकली, और अगर कहीं फंसे तो बताएं मुझे, मैं 5 मिनट दे रहा हूं फिर आपको, जल्दी से करें, लेकिन अब 5 मिनट बाद लास्ट में मैं आप चेक करूंगा।
हेलो जी, क्वेश्चन हो गया सॉल्व? कर रहे हैं सर। या इतना टाइम कैसे कर रहे हो? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन लगाई पहले मैंने। हाँ ठीक है, ये भी तरीका ठीक है, फिर वो सारा सीरीज में हो जाएंगे। बिल्कुल सही है, यानी यानी ये चीज खत्म हो जाएगी, है ना? यस सर, पैरेलल चीज खत्म और यहाँ पर एक सप्लाई आ जाएगी, ऐसे ही होगा ना? सप्लाई यस सर सही है, यहाँ सप्लाई लगा, मतलब वो यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, एक ही बात है। यस सर सही है, 60 वोल्ट की। 60 वोल्ट, बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, अच्छा आइडिया यार, मेरे ध्यान में नहीं आया था ये। तो ये क्या बना, -60 प्लस का, ये VXS पे डिपेंड कर रहा है। IN यस सर, 6 IN प्लस 2 VX और VX डिपेंड कर रहा है सर 2 ओम पे। 0 इक्वल टू 0 यस सर, क्यों 0 ही आएगा, सही है सर, सही है यार, ये 1 मिनट का सवाल नहीं है। यस सर हो गया सर, मैंने वो 2 को भी ले लिया था गलती से। सर ये विदाउट सॉल्व करने से भी तो हो रहा है ना, सही है सर। भाई देखो ये चीज शॉर्ट हो रही है ना, यस सर, ये वोल्टेज कितना होगा? 0 सर, 0 0 होगा, जब यहां 0 रखूंगा तो ये शॉर्ट हो जाएगा। यस सर, जब ये शॉर्ट हो जाएगा तो बस सिंपल, फिर ये एक लूप की है ये चीज की 10 एंपियर आ गया हमारा आंसर। यस सर, आ गया। सब सब बताएं, सबको क्लियर हो गई बात? यस सर, जी सर, जी सर। मोगनी क्लियर है? यस सर, जी सर। अच्छा अब लेना है आपने, अब लेना है आपने RTH। RTH इसको कर देंगे आप ओपन सर्किट, यानी यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा, है ना? यस सर। यहाँ पे लेंगे आप RN, RTH, हाँ RN, RN यहाँ पे RN लेंगे। अच्छा अब ये चूंकि ये सप्लाई लगी हुई है तो इसलिए फिर आपको यहाँ पर एक डमी सोर्स लगानी पड़ेगी, है ना? यस यस सर। तो ये चूंकि एक वोल्टेज चल रहा है तो यहाँ वोल्टेज सोर्स लगा लेते हैं ताकि हम अपना केवीए लगा सकें 1 वोल्ट के, और यहाँ से करंट निकलेगा जिसका नाम होगा आई नॉट। ठीक है, ये खत्म हो चुका है, ये नहीं है यहाँ पर, जरा करें इसको सॉल्व, मेरा फोन आ रहा है, मेरा फोन सुनो, इसको सॉल्व करें। जी सॉल्व किया अगर मैं ऐसे लूप लगा लूं, देखो सुनो, इस दफा मैं ये उल्टी लूप लगा लूं ऐसे, बल्कि यार एक मिनट रुको, ये बीच में एक रिस्टर ये भी तो आ रहा है ना, एक रिस्टर ये भी है ना, बोल नहीं रहे? यस सर। तो यस सर, तो एक लूप तो नहीं लगेगी, 2 लूप्स लगेंगी, है ना? यस सर। कौन कौन से लगेंगे? एक ये ले लेते हैं, इसका नाम क्या रखे हैं? आई वन जो भी, एक ये ले लेते हैं, इसका नाम क्या रखे हैं? आई टू और I2 और I0 जो है ना वो उल्टी हैं एक दूसरे के, है ना? तो I2 जब निकलाएगा तो उस पर माइनस लगा देंगे तो I0 बन जाएगा, ऐसे ही है? Yes, sir. Yes, sir. I1 की क्वेश्चन क्या होगी? 6 I1 प्लस 2 VX। अच्छा VX क्या होगा? VX होगा 2 into ऊपर प्लस, है ना? ऊपर से I1 दाखिल हो रहा है ना? Yes. तो ये होगा I sir. I1
माइनस आई टू ये हो गया, उसके बाद फिर इधर ही आ गए, इधर इसी पे आ गए तो ये तो खुद यही होगा प्लस टू इंटू आई वन माइनस आई टू, सही है? यस सर। तो ये क्या बना, सिक्स आई वन फोर आई वन और टू आई वन बारह आई वन, सही है? सही है। सिक्स आई टू चेक करें भाई, गलत हो सकता है। सिक्स आई टू मैं वैसे भी टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने में इतना मतलब पता चलता भी नहीं है, सही है? यस सर। सही है सर। तो इक्वल टू जीरो। सिक्स आई वन बराबर है आई टू के, क्वेश्चन नंबर वन। दूसरी क्या होगी, टू माइनस टू टू माइनस आई वन ये होगी, यस सर। प्लस वन इक्वल जीरो, तो ये उधर अगर इक्वल के ले जाएं तो क्या बनेगा, टू आई वन माइनस माइनस टू आई टू टू इक्वल टू वन, यस सर। टू आई वन माइनस ये टू आई टू की वैल्यू, आई टू की वैल्यू सिक्स आई वन है, ये कितना हो जाएगा माइनस सिक्स टू जर ट्वेल्व बारह आई वन इक्वल टू वन माइनस टेन आई वन इक्वल टू वन। तो आई वन किसके बराबर आया, माइनस पॉइंट वन एम्पियर, वन पॉइंट टेन या है ना सर, जीरो पॉइंट वन। आई टू किसके बराबर आया, सिक्स टाइम्स माइनस पॉइंट सिक्स एम्पियर, ठीक। आई नॉट ये बराबर था माइनस ऑफ आई टू, ये बराबर होगा 0.6 एम्पीयर। और आर एन किसके बराबर है, आर एन बराबर है 1 अपॉन आई नॉट, 0.6 का इन्वर्स अगर करें 1.66 5 अपॉन 3 1, ये 1 हो मारा है RN1 ओम आ रहा है ना, RN1 है सर, तो ये तो गलत आ रहा है ना आंसर भाई, आंसर गलत आ रहा है जी। वो गलती की है, पर बताओ कहाँ गलती हुई है। देखा ये ऑनलाइन सॉल्व करने में जाहिर है वो बात नहीं आती ना जो बोर्ड पे करते हैं, आप सब जाग रहे हैं, सो तो नहीं रहे ना सर, जाग बताओ फिर कहाँ गलती की है, दोबारा देखना पड़ेगा। 6i1 plus 2 times vx 2 times फिर 2 times of i1 minus i2 plus 2 i1 minus i2 फिर 6 2 2 4 i1 6 4 10 और 2 i1 12 i1, ये i1 नहीं लिखा मैंने आपको, और माइनस में 2 i2 और अरे यार नहीं नहीं सही है 4 i2 और माइनस 2 i2 माइनस 6 i2 सही लिखा ना जी सर। हाँ तो ये गलती हुई ना यहाँ पर, तुम लोगों ने बोला नहीं, ये 2 आएगा ना भाई, 6 से डिवाइड करेंगे ये 1 हो जाएगा, ये 6 2 से 12 होता है ना, ये 6 लिख दिया था यहाँ पर, आवाज आ रही है जी सर। तो फिर बताया क्यों नहीं यार, मतलब मैं गलती करूंगा बस, ठीक है कोई नहीं बताएगा है ना, ये भी गलत है, ये 2i2 का मतलब यहाँ पे 4 आएगा और 2 माइनस 4 माइनस 2 होगा, माइनस 2 यहाँ पे माइनस 0.5 होगा, हाँ माइनस 0.5 को हम जब यहाँ रखेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1 नहीं आएगा, बोलो यस सर।
और ये माइनस वन का मतलब ये कि वन एम्पेयर हो जाएगा सर, और ये वन ओम आ जाएगा, दैट्स इट। आई बात समझ में? यस सर। जी सर। कल तुम लोग ध्यान नहीं दे रहे हो, है ना? अच्छा सुनो, कल क्विज होगा आप लोगों का, ठीक है? सर किस टॉपिक का? वीकली होगा। थेवेनिन का कर लेते हैं। ओके सर। यूनिवर्सिटी में आना होगा ना? क्या बोल रहे हो? यूनिवर्सिटी में आना होगा या फिर ऑनलाइन होगी? यार कौन कह रहा है ये? नाम बताओ। सिराज? हेलो सर, नेक्स्ट वीक दो रख लें सर। अभी कौन बोल रहा था ये? सर ये सिराज बोल रहा था पहले। हाँ, से पहले। सिराज बोल रहा था ना, लेकिन मैं कह रहा हूँ बहुत सारे बच्चे गांव में भी है ना, जैसे समीर, और उन्होंने तो मुझे कहा था कि हम गांव में होंगे। यस सर, तो गांव। हाँ नहीं, दो क्यों रख ले, हम ऑनलाइन रख लेते हैं ना, प्लीज ऑनलाइन दे दो। बोलो। ओके सर। जी सर, नेक्स्ट वीक रखने दो। नहीं नहीं, तो ऑनलाइन दिवाली है ना। हाँ तो घर यार 5-10 मिनट का तो कोई लोग नहीं दे सकते क्या? क्लास लोगे या क्लास भी नहीं लोगे? सर क्लास लेंगे। तो क्लास लोगे, उसके बाद मैं आपको 10 मिनट का क्विज दे दूंगा, आप करके जमा करा देना। चलो सर ठीक है। प्रिंटर है घर पे? प्रिंटर वगैरह है आपके पास? नहीं नहीं सर, प्रिंटर नहीं। देखो प्रिंटर है तो जिनके पास प्रिंटर है वो प्रिंट निकाल के सॉल्व कर लें, और प्रिंटर नहीं फिर वो ऑनलाइन सॉल्व करें जैसे मैं कर रहा हूं। यस सर, सही कर देंगे। ठीक है, एक काम कर लो। चलो अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर पर सॉल्व प्रिंट निकाल के, या वैसे या जो कराची में वो तो निकाल सकते हैं, गांव वालों को कह रहा हूँ, कोशिश कर लो अगर प्रिंटर है तो कहीं से प्रिंट निकाल के उस पर सॉल्व करके उसका स्कैन जमा करा दो। नहीं है तो फिर ये कर लेना कि आपने ना किसी कॉपी साफ पेज लेना, ठीक है? यस सर, यस सर। बगैर लाइनों वाला हो तो ज़्यादा बेहतर है, और उसको लेकर उसके ऊपर जो मैं सर्किट दूंगा वो सर्किट ड्रॉ करके उसी पर सारा सॉल्व करके फिर उसकी पिक भेज देना। ये कर लो अगर प्रिंटर नहीं है तो, पहली प्रेफरेंस प्रिंटर ही है, ठीक है? तो अगर किसी का प्रिंटर है तो फिर वो ये ना करे, बड़ा मेहरबानी। नहीं है तो फिर ये कर लेगा, सही है? ठीक है सर। ओके सर। है ना, तो ऑनलाइन क्विज हो जाएगा, इतना कोई मसला तो नहीं, आप जमा करा देना। बड़ा ऐसे पिछली दफा हुआ था एग्जाम, मैं आपको दे दूंगा, उसके बाद बस आप स्लेट पे 10-15 मिनट का जो टाइम हो उसका जमा करा देना, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है सर। ठीक है सर। अच्छा इसके बाद देखो हमारा ये नॉर्टन खत्म हो जाता है, इसके बाद हमारा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। इसकी हेडिंग ले लीजिए मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, ये बहुत आसान है, ये 2 मिनट में हो जाएगा। देखो वो कह रहे हैं मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर टू द लोड व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इक्वल्स द थेवेनिन रेजिस्टेंस एज सीन फ्रॉम द लोड। क्या मतलब हुआ, सिंपल बताऊं? देखो इधर पीछे आओ, आप लोग सुन रहे मेरी बात, क्या कह रहा हूँ, आवाज आ रही है? जी सर। देखो अगर मैं इस सर्किट को कहूँ कि यार इस सर्किट की मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कितनी है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इस सर्किट को थेवेनाइज करेंगे। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूँ? क्या करेंगे सर्किट को, बोले थेवेनाइज करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा? एक वोल्टेज सोर्स और सीरीज में एक रेजिस्टर, ये नोड्स आ जाएंगे, सही कह रहा हूँ? यस सर। रेजिस्टर की वैल्यू यही होगी ना 1 ओम? यही होगी ना? यस सर। और वोल्टेज कितना होगा, वो आप इससे निकालें ट्रांसफॉर्मेशन, इनको मल्टीप्लाई करके 10 वोल्ट ही होगी। 10 वोल्ट ये इसको थेवेनाइज निकल आया, हो गया थेवेनाइज, बोलो। अब वो ये कहता है, वो कहता है कि अगर 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 मैक्सिमम पावर लेनी है तो इस पर जो लोड लगेगा ना, इधर देखें ये जो लोड लगा रहा हूं मैं आर एल, इसकी वैल्यू अगर आप इसके थेवेनाइज के बराबर रखेंगे तो ये मैक्सिमम पावर दे रहा होगा। यानी अगर मैं इसको भी 1 रखता हूँ तो यहाँ से जो पावर निकलेगी वो मैक्सिमाइज निकलेगी, ये थ्योरम है। तो कोई भी सर्किट दिया हो अगर उसकी मैक्सिमम पावर निकालनी है तो उसको थेवेनाइज करें, और थेवेनिन जो रेजिस्टेंस निकलेगी उस रेजिस्टेंस के बराबर लोड रेजिस्टेंस लेंगे तो मैक्सिमम पावर होगी। अगर इस रेजिस्टेंस से ज्यादा रेजिस्टेंस ली तो कम हो जाएगी पावर, और कम रेजिस्टेंस ली तो भी कम हो जाएगी पावर, दोनों सूरतों में, ठीक है? ये देखें ये ग्राफ देख रहे हैं आप, ये पावर है, ये पावर है, ये लोड है, तो लोड ये थेवेनिन है,
जब लोड आर थेवेनिन के बराबर होगा तो पावर मैक्सिमम है, जब लोड आर थेवेनिन से ज्यादा होगा तो पावर गिर जाएगी, और जब आर लोड थेवेनिन से कम होगा तो भी पावर गिर जाएगी। समझ रहे हैं बात? यस सर। ये कितना आसान हो गया, थेवेनिन अगर आते हैं तो ये तो हो ही जाएगा ना। ये क्वेश्चन है मैक्सिमम पावर, इसको फॉर्मूले को छोड़ दो, आप सिंपल एक काम करो, ये लोड है ना, इसको आपको पता है स्टेप नंबर 1 में लोड काट के अलग करते हैं, इसको काट के अलग करना है, इसको थेवेनाइज करना है, थेवेनाइज करने के बाद सर्किट लगा के इस लोड पे पावर निकालनी है। करें जरा थेवेनाइज करें सबसे पहले, जल्दी से जल्दी, टाइम कम रह गया, जल्दी करो। नासिर, अब्दुल नासिर, आप आए हैं? जी सर, जी सर आया। लास्ट वीक क्यों नहीं क्लासेस ली नासिर? लास्ट वीक पूरा नहीं है सर, तबीयत ही बहुत खराब है। अच्छा, लास्ट वीक तबीयत खराब थी, दोनों तीनों क्लासेस छोड़ दी थी ना आपने, बल्कि चार हुई हैं सर, दो लास्ट वीक की दो छोड़ी थी मैंने। यार जुम्मे को भी नहीं आए थे, हफ्ते को भी नहीं आए थे? हाँ सर, जुम्मा हफ्ते दोनों नहीं आए थे ना सर, तो अभी भी सर गला खराब बैठा हूँ। हाँ तो क्लासेस तो चार हो गई ना, दो जुम्मे को ही थी, दो हफ्ते को ही थी, क्विज भी तो हुआ था हफ्ते को। अच्छा अच्छा, और क्विज भी आपका रह गया। चले खैर, चलो सर कल का कुछ क्लास भी देना, ठीक है? ठीक है, तो सर कल क्लास ऑनलाइन है या वो क्लास में? नहीं नहीं, ऑनलाइन ही होगी। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, इस वीक ऑनलाइन होगी, फिर नेक्स्ट वीक से मतलब यहीं पे होगी। ठीक 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 है सर, ओके सर।
चुप हो जाओ। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। जी भाई सॉल्व हो गया, खत्म, टाइम खत्म होने वाला, एक मिनट रह गया। ये निकल आया आरएल आरटीएच और वीटीएच दोनों आ गए? गलत निकला है मेरा। अबे यार गलत निकाल लो यार, मैं दोबारा मीटिंग शुरू कर रहा हूँ फिर जल्दी से। हाँ ओके।